इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मुझे खुशी और आनंद हो रहा है कि गुजरात की प्रजा केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को विजय और सफलता का अद्भुत संदेश दे रही है, जो गुजरात के माध्यम से धर्म और अध्यात्म समग्र विश्व के अंदर फैला, जो गुजरात के माध्यम से सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया, जो गुजरात के माध्यम से समग्र विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी जी का निर्माण हुआ, ऐसे गुजरात का इलेक्शन ये विश्व के लिए प्रेरणादायी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गौवंश हत्या बिल उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके जो कार्य किया बेजोड़ और अद्भुत है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की सेवा का अद्भुत प्रकल्प किया, जो प्रधानमंत्री ने आज संस्कृति और धर्म का समन्वय करते हुए भारत को सुखाकारिता का अद्भुत आयाम दिया, ऐसे गुजरात के इलेक्शन के अंदर हम सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके आगे बढ़े, भारतीय संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़े, देश का संविधान सभी की खुशहाली को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, इसलिए इस बार का इलेक्शन ये आर पार की लड़ाई है। मुंबई के अंदर रहने वाले, पूरे भारत में रहने वाले जो भी गुजरात के वोटर्स है उनको गुजरात में वोट देने जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से मजबूत करना है कि पूरे विश्व को संस्कार और संस्कृति की अद्भुत देन मिले। अयोध्या में पहले दिवाली होती थी और आज की दिवाली कैसी है, महाकाल पहले वो क्या स्वरूप था और उज्जैन का आज क्या स्वरूप है, सोमनाथ महादेव उस समय का क्या वातावरण था और आज कितना भव्य और दिव्य वातावरण है, तारंगा महातीर्थ प्रभु अजीतनाथ कितना अद्भुत निर्माण उन क्षेत्रों के अंदर सरकार की अद्भुत व्यवस्था से शुरू हुआ है, ये सारा यश प्रधानमंत्री जी को जाता है। भगवान श्री राम जंजीरों में बंध थे, उनको मुक्त करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो लोकप्रिय सबके लाड़ीले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो पार्टी के संस्कार जबरदस्त थे, जो पार्टी का मैनिफेस्टो जबरदस्त थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भारत को मजबूत बनाना, राष्ट्र को मजबूत बनाना, सभी धर्मों में भाईचारे की भावना को जगाना, सभी नारी को अपना सम्मान दिलाना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का अद्भुत आधार है और ये आना चाहिए, जरूरी है देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, सभी धर्म और जाति की एकता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अत्यंत जरूरी है और ये आपके वोट पर निर्णायक साबित होगा। आपका एक वोट भारत की बहन बेटियों को बचाएगा, आपका एक वोट नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा, आपका एक वोट भारत को भारतीयता की संस्कृति को मजबूत करने का आधार बनेगा, आपका एक वोट गरीबों की गरीबी को दूर करने का काम करेगा और इसलिए आप अवश्य वोट देने जाएं। आपका वोट ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने वाला वोट है, तो समग्र मुंबई और विश्व में रहने वाले सभी लोग वोट के लिए पहुंचे, अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे। केवल प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का ही दायित्व नहीं है इलेक्शन, इलेक्शन आम नागरिक का दायित्व है, सबकी जवाबदारी है और आपकी जवाबदारियों का निर्वहन करें और इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ऐसी विजय को प्राप्त करे जिससे सस्य श्यामला और सोने की चिड़िया भारत बने। बस ये कार्य के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए, सभी धर्म जाति को मजबूत करते हुए भारत जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बन करके विश्व का कल्याण करने में निमित्त बने, ऐसा मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है।